कौन से कैंसर ऐसे हैं जिसके ऊपर रिसर्च करके आप कह रहे हैं कि हम 10 दिन में रिजल्ट देंगे? ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और गले के कैंसर से जो रोगी परेशान है, लगभग 90 से लेके 95% तक कह सकता हूँ कि रोगी को यहाँ पे ठीक करके भेजेंगे। और नेक्स्ट जो कदम उठाते हैं वो किडनी रोगियों की तरफ उठाएंगे कि यदि किसी को किडनियों की समस्या है, उस रोगी के लिए स्पेशली बहुत ध्यान रखने की बात तो ये है कि वो रोगी जितने भी फल फ्रूट वेजिटेबल सब्जियाँ यदि खाता है तो वो पहले उबाल के खाए उसको, या फिर बनाने से पहले कुछ देर के लिए गर्म पानी में सब्जियों को रख दें, जिससे जो कार्य किडनी को करना था अशुद्धताइयों को दूर करने के लिए, वही कार्य अपना वो पानी में जो गर्म में छोड़ी गई सब्जियां हैं वो गर्म पानी उनकी अशुद्धताइयों को दूर कर देगा। पहला तो ये पॉइंट है। दूसरा, किडनी रोगी के लिए जिस किडनी रोगी को सांसें फूलती हैं, पानी का स्टोरेज थोड़ा सा भी होने से, तो वो किडनी रोगी खाली पानी कम पिए, बाकी जितना मर्जी पानी पिए, किडनी रोगी को कोई दिक्कत नहीं है, पेशाब बराबर आ रहा है, पानी एग्जिट बराबर हो रहा है, तो पानी अच्छे से पिए, किडनी जल्दी ठीक हो जाएगी। काफ़ी टाइम बोला जाता है कि किडनी रोगी को पानी कम पीना चाहिए। पानी कम पीने की स्थिति सिर्फ उस रोगी की होती है जो रोगी पेशाब नहीं जा रहा, पेशाब आ ही नहीं रहा और उसको सांसें फूल जाती हैं पानी इकट्ठा होने से पेट में, तो वो रोगी पानी का सेवन कम से कम करें। जी, किडनी के रोगी बहुत ज़्यादा है, बहुत अति, और युवा, खास करके युवा बहुत हो चुके हैं। जी, जी, किडनी के रोगी, बिल्कुल, वो चाहे टेबलेट लेने से हो या खान पान से हो, किडनी के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है। जी, तो मैं संस्थान की तरफ से आपके पास जो आजकल की आधुनिक औषधियाँ जो आपने बनाई है, जी, मैं उसके ऊपर आना चाहता हूँ, क्योंकि मरीज फोन करेंगे, अभी करेंगे कॉल आपको, और वो पूछेंगे जी। तो किडनी के रोगी के लिए आपके पास संस्थान में जो औषधियाँ उपलब्ध हैं, जो भी जड़ी बूटियाँ आपके पास उपलब्ध हैं आयुर्वेदिक, वो किस प्रकार की होती हैं, कितने खर्चे तक की भी होती है, ये भी थोड़ा सा बता दें तो शायद मेरे जो दर्शक हैं वो संतुष्ट हो जाए। देखो, खर्चे की यदि बात की तो खर्चा, ये संस्थान जिस लेवल पे आज है, जहाँ पे नाम भी दिख रहा है मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट, हमारा उद्देश्य खाली इतना है कि हर घर तक दवाइयाँ पहुँचनी चाहिए, हर घर तक, हर जो आपत्तिजनक जो रोगी हैं, जिनको परेशानी है, जो थक गए हैं, उन तक ये दवाइयाँ पहुँचनी चाहिए। अब बात ये करते हैं कि परमात्मा किसी को गरीब ना बनाए, क्यों, गरीबी बहुत जो ना बुरा समय होता है, और जो इससे निकल चुके हैं, निकल रहे हैं, उनकी अंतरात्मा जानती है कि गरीबी होती क्या है। और आज के दिन मोस्टली गरीब वही हैं जिसके जो कर्महीन हैं, जहाँ तक, या फिर परमात्मा के द्वारा जो दिया गया हमारे कर्म दंड है उसकी वजह से हम लोग गरीब हैं, अन्यथा आज के दिन कोई गरीब नहीं है। जो मेहनत कर रहा है वो दवाइयों का खर्चा उठा सकता है, और इतनी कॉस्टली भी नहीं है दवाइयाँ। दूसरी बात ये है, यदि फिर भी किसी कारणवश यदि कोई रोगी, कहते हैं कि कर्मदंड, कर्म समय किसी पर रहम नहीं खाता, चाहे रो रो के मर जाएँ हम, कर्म जो हमने जो कर्म किए थे पूर्व जन्म के, अब के, उनका दंड जब मिलना शुरू होता है तो कितना भी बड़ा तपस्वी क्यों ना हो रुला देता है इस समय। तो इसलिए सभी से कहना एक चाहता हूँ कि जो भी रोगी जहाँ तहाँ से दुखी हो चुके हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि पहले तो अपने, कहते हैं कि परमात्मा से ही हर शक्तियाँ शुरू होती हैं, परमात्मा के द्वारा ही हर रोग दिए जाते हैं हमारे कर्म दंड अनुसार, वरना परमात्मा किसी को दुख दे के सुखी नहीं रहते। तो मेरे एक निवेदन सभी से है, पहली बात तो अपने आप को अंदर से खंगाल लीजिए कि मैंने अंदर से क्या गलतियां की हैं, और फिर उनके ऊपर प्रभु के चरणों में निवेदन एक जरूर करें कि परमात्मा मेरे द्वारा किए गए पापों को भुला करके मुझे एक अच्छा जीवन प्रदान करें, तो निश्चित उसी से फ़र्क पड़ जाएगा और सदकर्मों पर चलना शुरू कर दें। उसके बाद एक अगला पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि दवाओं के माध्यम से, दुआ और दवा, ये दो चीज़ें होती हैं दुनिया में। तो ये तो मैंने बात की अभी दुआओं की, अब बात करते हैं दवाओं की। तो दवा भी बाद में कार्य करती है, दवा कैसे, दवा हमारे शरीर को शुद्ध करती हैं और दुआएं हमारे अंतरात्मा को पवित्र करती हैं, तब जाके शरीर स्वस्थ होकर खड़ा होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो पैसे के लिए, जो अति गरीब है, हमारे भारत में काफ़ी लोग फुटपाथ पर भी सो रहे हैं, तो मेरा उन अमीरों से भी निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा यदि सहयोग करें तो उनको भी दो टाइम का खाना नसीब हो जाएगा। तो जो भी कोई गरीब लेवल पे है वो यहाँ संस्थान में आए, हमने उनको बताया सुपोज कि जी आपकी दवाई का खर्चा 2000 रुपये है, और उन्होंने हमसे कहा जी मेरे पास 1400 रुपये ही हैं, तो उनको ये नहीं कि बाकी पैसों के लिए फोर्स किया जाएगा, आप आके अपनी दवाई लेके जाए, उनकी दवाइयाँ वापस नहीं रखवाई जाएंगी। यदि उनकी दवाई 4000 रुपये की हुई और उन्होंने यदि हमें बोल दिया कि जी मेरे पास तो सिर्फ 3000 रुपये हैं,
तो उनकी दवाई वापस नहीं रखवाई जाएगी यदि वो गरीब है तो, और उससे भी यदि गरीब है तो बेशक यहाँ पे आए और अपना उपचार लेके जाए, हम उससे पैसा नहीं लेंगे, ये निश्चित है। लेकिन बस वही है, ये हम क्यों, वैसे तो हर संस्था मैनेजमेंट के हिसाब से चलती है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है रोगियों के लिए उतना कम से कम करने के लिए यहाँ पे हम बैठे हैं और आपकी सेवा में ही दिन रात लगे हुए हैं। अब नेक्स्ट जो एक नंबर मैं आपको और शेयर करना चाहता हूँ, जो कैंसर के लिए, ये लाइन जो मैं कहने जा रहा हूँ अब, ये वो लाइन है कि जो लोगों का भरोसा है इस संस्थान पर उसके लिए कहने जा रहा हूँ। यहाँ पर जब एक माता को लेकर आया गया जिसको कैंसर थी, रेक्टम कैंसर उसको भी, तो यहाँ पे आके लेट गई माताजी, उसके परिजन जो साथ आए थे उनका एक ही कहना था कि कैसे भी करके गुरुजी इनको ऐसा कर दो कि अगली बारी अपने पैरों पे खड़ी होके आए। तो वो जब दुख देखा गया, कहते हैं दुख बांटने से बढ़ता है, और जो सिद्धि से जो सच्चाई के साथ जो बैठे हैं वैद आचार्य संस्थापक, उनके यदि अंतरात्मा सही है तो ये प्रभु जो है ना अपनी करुण पुकार सुनते भी हैं और उनके ऊपर रहमत करते हैं। फिर तो उनको जब हमने यहाँ से दवाइयाँ दी तो उनसे खुद फ़ोन करके पूछना कि दूसरे दिन ही उन्होंने, रोगी ने खाना शुरू कर दिया था। ये मैं नहीं कहता, आप रोगी से पूछना, और रोगी हमारे द्वारा खरीदे हुए वो नहीं है कि हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए उनको पैसे दे के हाँ भरवाने के लिए बोल रखा है, सच्चाइयाँ वो खुद बता देंगे आपको। तो इसलिए आप उनसे पूछना कि कितना आराम है आज, माता जी चैन से सो पाती हैं, दर्द नहीं है उनको, चल फिर सकती हैं 1, 2, 4, 5 कदम, खाना पीना टाइम से है, दोबारा से ज़िंदगी जीनी शुरू कर दी उन्होंने, जिनको बोल दिया गया था 5-10 दिन की हैं। तो उनका भी नंबर मैं एक बार आपसे साझा करना चाहूँगा, लेकिन फ़ोन वही रोगी करें जो सब जगह से हार चुके हैं, इनको परेशान ना करें, जिनको कैंसर है या परिवार में है किसी को, अन्यथा परेशान ना करें जी। 7005825572 हिंदी में बता देते हैं, 7058252572। ये इस नंबर पे आप एक बार कॉल करके पूछ लीजिए, तो फिर अपने आप पता चल जाएगा कि इस कैंसर में इस संस्थान के कैसे रिजल्ट हैं, मुझे बखान करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी एक और सबसे बड़ी बात बता दूं कि ये जो संस्थान है दिन रात स्ट्रगल कर रहा है उसके लिए, उन रोगियों के लिए, उन पीड़ितों के लिए जो रोगी परेशान भटक रहे हैं, उनके लिए उन ऋषि मुनियों से मिला जा रहा है बार बार, उन आदर्शों से मिला जा रहा है जो आयुर्वेद के दिग्गज बैठे हैं, और उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, यदि कोई महापुरुष ऐसे हैं जो अपनी पहुंच वहां तक बना चुके हैं आयुर्वेद में कि जो कहते हैं कि जी ये चीज़ तो हमारे बिल्कुल थोड़ी सी एक मेहनत का कमाल है, और मेहनत तो उनकी मैं अथाह कहूँगा कि जिन्होंने अपने पूरी ज़िंदगी झोंक दी इस आयुर्वेद में, तो उनसे मेरा निवेदन है ये पुनर हाथ जोड़ के कि वो मुझे एक बार अपना नंबर या अपना मैसेज ज़रूर डालें, मैं उनसे मिलने के लिए, उनके नतमस्तक होने के लिए मैं एक बार ज़रूर आऊँगा और आपसे वो अमूल्य भेंट मैं लेके जाऊँगा। और जिस हिसाब से वो कहेंगे मैं व्यापार के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो रोगी भटक रहे हैं, रो रहे हैं और मर रहे हैं बेचारे जी। ठीक, तो देखिए एक बात कहनी आ जाती है, नवग्रह आश्रम के शायद आपने वीडियो देखी होगी, चौधरी हंसराज जी कहते हैं, एक बात कहते हैं, देखिए कितने विश्वास से कहते हैं, कैंसर कुछ नहीं है, कैंसर आदमी का आत्मविश्वास जब खत्म हो जाता है तो कैंसर शुरू होता है। बिल्कुल, वो किसी भी चीज में हो, आत्मविश्वास का कैंसर सबसे पहले कहां का लगता है, कैंसर आत्मविश्वास को। तो कैंसर के रोगी को ये तो दिमाग से निकाल दे, ठीक नहीं होंगे आप जी। एक बात और शेयर करना चाहूंगा, बिल्कुल सत्य वचन है ये, मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं हमारे संस्थान में, क्यों अब हम तो इतना समय देते नहीं है रोगियों को, यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, पूरा टीम अवेलेबल है, तो वो अपना देख रहे हैं पूरा, जब हम शाम को या जब भी 1-2 दिन में मीटिंग करते हैं, हम उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो पता चलता है कि रोगी कैंसर का 10-10, 15-15, 20-20 साल जीवित हैं, और एक्सपायर होने के लिए यदि बात करें तो ये बुखार से एक्सपायर हो गए, खांसी जुखाम से लोग परेशान होकर मरने को, सुसाइड करने को तैयार हैं। ये उन कैंसर रोगियों की हिम्मत और बल का मैं साहस की जो ना दाग देता हूँ कि इतनी बड़ी बात है उनकी, और सभी रोगियों से जैसा इन्होंने कहा आत्मविश्वास, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस वो चीज़ है जो गिरने नहीं देगी, जो हारने नहीं देगी, और हार के ज़िंदगी जीने वाले को ही इंसानी रूप कहा गया, वरना तो जानवर बहुत है घूमने फिरने के लिए, लेकिन इंसान का नाम दूसरा क्या है कि परमात्मा ने ये एक दंड दिया हमें। एक कहावत छोटी सी और मैं कहना चाहूँगा, यदि कोई हमें गाली दे के बोल रहा है ना तो उससे बहस नहीं करते, सामने वाले ने हमारे कर्म अपने सर पर ले लिए वो गाली दे के,
उसका कुछ कर्मदंड था वो कम कर दिया, आप मत बोले उसे कुछ भी, परमात्मा उसका रिजल्ट देंगे। और यही छोटी छोटी बातों से ही रोग शुरू हो जाते हैं, मानसिकता खराब हो के। तो अपने आप को स्वस्थ रखने का एक मंत्र धारण कर लीजिए कि अपने जो कर्म हैं वो आप अच्छे से निभाते चलें और मजबूताई से हर रोग से लड़ने के लिए तैयार रहें। या संस्थान में या कहीं भी जाएँ, मैं यहाँ की नहीं, जहाँ पे भी जाएं बस सामने वाले को देख लें कि वो पवित्रता से कार्य कर रहा है और एक अच्छी नीति से कार्य कर रहा है, तो डेफिनेटली, और हारे थके जहाँ से भी हारे थके यहाँ संस्थान में एक बार जरूर संपर्क करें, आपके हर व्याधि और हर कष्ट का निचोड़ हम लोग लेके आएंगे। क्योंकि आप लोग जहाँ तहाँ भटक के परेशान हो सकते हो और हम हर जगह जाके उसका तोड़ ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, ये फ़र्क है आप और हम में। हम वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक आप सोच भी नहीं पाएंगे। आयुर्वेद में जहाँ तक हमें निचोड़ मिलेगा, उस जब तक रोग का अंत नहीं मिल जाएगा, हम शांत नहीं बैठेंगे। ये इस संस्थान का उद्देश्य है। हर गहराई तक जाएंगे जब तक पीछा नहीं छूट जाता। तो कुछ रोगी ऐसे हैं, कुछ किडनी में भी हैं, कुछ कैंसर में भी हैं, कुछ हार्ट में भी हैं, कुछ इसमें भी हैं, शुगर में भी, 2-5% हर जगह हर केस में मिलेंगे, चाहे कितना भी बड़ा ज्ञाता क्यों ना हो। बस उनसे मेरी एक ही विनती है कि वो हारे ना, वो थके ना, वो परेशान ना हो। एक चीज़ तो दिमाग में सेट कर ले कि प्रभु ने जो क्रमदंड लिख रखे हैं उसको कोई मेट नहीं सकता। दूसरी बात, हम या कोई भी वैद्य, आचार्य, डॉक्टर जो मेहनत कर रहे हैं वो उन्हीं के द्वारा बनाए गए नियमों पे चल रहे हैं। हमारे जो महापुरुषों ने जो ज्ञान दिया उस पे हम लोग चल सकते हैं, बस इतना ही फर्क है। कोई पवित्रता से कर रहे हैं तो किसी को फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए चाहिए। मेरी एक ही विनती है सभी से कि जो भी कोई गरीब से गरीब भी है वो एक बार उठ के संस्थान में आए, हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। जितना हमसे मदद हो सकेगी आपके साथ हैं। और संस्थान का हर सेकंड उन रोगियों के लिए है जो रोगी दर दर भटक के परेशान हो चुके हैं। तो और कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए लांबा जी। तो देखिए, एक बात बतानी भूल गए वह जी, जब मैं यहां पहुंचा था तो बात कर रहे थे गले का। हाँ जी। फेफड़े का। जी जी बिल्कुल। कौन से कैंसर ऐसे हैं जिसके ऊपर रिसर्च करके आप कह रहे हैं कि हम 10 दिन में रिजल्ट देंगे? जी बिल्कुल, ध्यान से सुने। जो जो भी रोगी ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और गले के कैंसर से जो रोगी परेशान है, गांठ अलग से दिख रही है बाहर, परेशान है, ब्रेस्ट में गांठ अलग से दिख रही है बाहर, या ब्लड कैंसर से पूरा शरीर घर्षित है, तो इन 3 कैंसर के रोगी जहाँ पे भी इनको, जहाँ किसी भी स्टेट का हो, वो रोगी यहाँ संस्थान में आए, बस उसकी कंडीशन एक ही है कि 10 दिन से लेके मैक्सिमम 15 दिन तक हम रोगी को अपनी नज़रों में रखेंगे। डेली जो है ना एक दवा दी जाएगी रोगियों से, वो दवा हमारी नज़रों के सामने रहेगी। और फिर 16वें दिन रोगी का हम रिपोर्ट दिखाएंगे, जो जो रोगी ठीक होंगे। यदि हमारे पास 100 रोगी आते हैं तो 100 में से जहाँ तक हमने रिजल्ट देखे हैं, लगभग मैं कहूँगा, क्योंकि 100% कोई नहीं है इस पूरे विश्व में, लेकिन फिर भी लगभग 90-95% तक कह सकता हूँ कि रोगी को यहाँ पे ठीक करके भेजेंगे। दूसरी एक और सबसे बड़ी बात है, किसी भी रोगी से जो पैसा यहाँ पे लिया जाएगा उन 15 दिन के रखने का, वो रोगी खुद खुश होकर कहेंगे कि ये पैसा बिल्कुल भी नाजायज़ नहीं है और ये इतना पैसा लेना ही चाहिए। और उसमें एक और बात फिर से कहना चाहता हूँ जो पहले कही है, यदि एक रोगी कोई उसमें से गरीब है, 100 रोगियों में से या 2 रोगी, उनसे कोई पैसा भी नहीं लेंगे, ये भी मैं कहना चाहता हूँ 15 दिन के। जी, और एक बात और सुन लीजिए, बधवाना बस स्टैंड के ऊपर नया जी, ये आश्रम बनने जा रहा है, आश्रम ही कहूँगा मैं। जी बिल्कुल, संतों के, महात्माओं के, ऋषियों के, वैद्यों के आश्रम ही होते हैं भाई। तो एक बहुत ही सुंदर सा एक आयुर्वेदिक संस्थान, जो मानव सेवा संस्थान का, वो बनने जा रहा है, और उसी के वहाँ आपके रहने खाने पीने की व्यवस्था होगी। मरीज को क्या बात गड़बड़ हो रही है, मरीज को यहाँ रखने के लिए अभी व्यवस्था नहीं है, महीने के बाद, डेढ़ महीने के बाद व्यवस्था हो जाएगी, तब वो कैंसर के रोगी यहाँ रुकने के लिए आ सकते हैं। लेकिन तब तक दवाइयाँ, औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, ज्ञान और जो भी इनके पास, संस्था के पास है, वो सारी चीज़ें आपके लिए उपलब्ध हैं भाई। जो भी संस्था के पास, मानव सेवा संस्थान नाम है तो मानव की सेवा ही धर्म है, और ये संस्थापक हैं, बैठे हैं, तो इनका काम है जड़ी बूटियाँ उपलब्ध करवाना, अपना ज्ञान उनको देना,
वहाँ पर जो पूरी टीम लगी हुई है रिसर्च के लिए लगी है, लैब टेक्नीशियन है, डॉक्टर्स हैं, MBBS BMS हैं, आयुर्वेदा हैं, जो भी हैं वो सारी टीम लगी हुई है। और मेरे जिसे वो भी सेवा भाव करनी है भाई, बाहरी पोचा करनी है, विषय मुट्ठी भरनी है भी, वो भी सारे मिल के आया करें। तो सभी कुछ आप एक बार जरूर फोन पे संपर्क करें, अपनी समस्या जरूर बताएं, दवाई लें ना लें, आए ना आए, लेकिन कहीं भटक रहे हैं और आपके विश्वास खत्म हो चुका है तो एक बार वैद्य शिव प्रकाश से एक बार जब उससे फोन करके पूछें कि सर मेरे को ये समस्या है, आपकी 50% रोग तो बात करने से ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, कि बात तो इतनी मीठी है भाई इनकी। समाधान बताया जाता है यहाँ पे, जैसे किसी ने कहा बोले जी कुछ भी यदि बुखार हो गया, खांसी जुखाम हो गया, कुछ भी ऐसा रोग है, बड़े रोग हो गए जैसे किडनी है, हार्ट वगैरह कुछ भी हो, तो उनके लिए तो यहाँ आना ही पड़ेगा। छोटे मोटे यदि कोई भी तकलीफ है तो उसके लिए कभी भी यहाँ पे संपर्क करें, कहीं भागने की आवश्यकता नहीं, आपके घर में सारी दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं आयुर्वेद की, जीरा नमक मिर्च मसाला सब कुछ है, तो हमें उसको बस खाली ढाल के बताना है कि आपको क्या चीज़ लेनी है। रात को कभी कभी किसी को गैस्ट्रिक अटैक आ जाता है बहुत तगड़ा, तो उस टाइम पे भी हमें फ़ोन करें, हम उसका उपचार तुरंत बताएंगे, घर पे ही रोगी ठीक हो जाएगा, कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे ही अनेकों रोग हैं छोटे मोटे जिनके आप उपचार घर ही पूछ सकते हैं, यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं है।